कलर्स के सीरियल सुहागन में आज पायल का गुस्सा सातवें आसमान पर है। वो न सिर्फ बिंदिया बल्कि अपनी दादी पर भी भड़क रही है। असल में दिवाली के मौके पर पायल की तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते कृष्णा बिंदिया को ही खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। इसी बीच वहां पर आ जाती हैं बिंदिया और पायल की दादी जी पूरे परिवार के साथ लेकर मिठाइयां। ऐसे में दादी जी को जैसे ही पता चलता है कि पायल ने बिंदिया के सुहाग को छीन लिया है, दादी पहुंच जाती है पायल को खरी खोटी सुनाने, लेकिन पायल उन्हीं पर ही बरस उठती है। वो तो शुक्र है कि वहां पर बिंदिया आ जाती है, लेकिन फिर भी पायल रुकती नहीं। वो दादी के साथ साथ बिंदिया को भी सुनाने लगती है। बिंदिया की खुशी तुझसे देखी नहीं जाती था। जानते थे हम तुम ऐसा ही बोलोगी। तुम हमारे बारे में यही तो सोचती हो, बचपन से लेकर आज तक बिंदिया अच्छी, बिंदिया प्यारी, बिंदिया सच्ची, और पायल, पायल सबसे बुरी, पायल सबसे घटिया, पायल सबसे नालायक। तुमने तो हमें ऐसे पाले जैसे हम कोई लावारिस हो। पल्लू जुबान संभाल कर बात कर। आज तो ना तो कोई जुबान संभलेगी और ना ही हम चुप रहेंगे। पायल का ये रूप देखकर तो सभी घरवाले हैरान हैं, और सबसे ज्यादा हैरान है कृष्णा। जैसे ही कृष्णा पायल को फटकार लगाने की कोशिश करता है, तो पायल बड़ी ही आसानी से बातों को इस तरह घुमा फिराकर कृष्णा के सामने रख देती है कि कृष्णा का दिल पायल के प्रति पिघल जाता है। एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, क्या यही तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? बताओ हमें। अरे दादी ने तो हमारे साथ इतना सौतेला बर्ताव किया कि एक पल के लिए तो हमें लगने लगा था कि हमारे माँ बाबा कहीं हमें कचरे के डब्बे से तो नहीं उठा के लेके आए। अरे हमें दादी ने तो हमें एहसास दिलवाया कि हम लोग बहुत ही बुरे और सबसे बड़े नालायक हैं। हम पायल ऐसा कुछ भी नहीं। कृष प्लीज अब लेक्चर देना बंद करो, जिस पर बीतती है ना उसी को बताओ। एक तो इतना हमारा मूड खराब है, पूछ नहीं सोने देखो नहीं हमारे मन के भड़ास क्या करें हम, बताओ। निकल गया हमारे मन से भड़ास, हो गई। शांत हो जाओ। हमारा शो सास बहू और बेटियां तो लेकर आता है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं ना, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।